अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और बहुत दिनों के बाद जी एक नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज क्या बन रहा है हमारे किचन में, तो यकीनन आपको वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हमारे किचन में बन रहे हैं मज़ेदार किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल सेसमी फ्राइड विंग्स। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है क्योंकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके घर में अवेलेबल होते हैं और आप इसको इजीली बना सकते हैं। बच्चों को शाम में भूख लगे तो आप उनको फ्राइज़ के साथ बना के सर्व करें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और ऑब्वियसली बड़ों को भी बहुत पसंद होती है ये रेसिपी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चले क्यों ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके लिए मेरे पास चिकन विंग्स हैं 500 ग्राम्स, 500 ग्राम जो है मैंने वो चिकन विंग्स ले लिया और उसकी खाल जो है स्किन को मैंने रिमूव कर दिया था। और साथ ही मैं इसको डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैरिनेट करने के लिए। और लेमन जूस जा रहा है इसमें 1 खाने का चम्मच। तंदूरी मसाला कोई भी रेडीमेड आप ले लें 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच। नमक जा रहा है 1/2 चाय का चम्मच। और सूरी की मैं यहाँ पे सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। आप कोई भी सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं इसमें। और साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सूरी की ही चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चम्मच। आपके पास किसी भी ब्रांड की कोई भी चिली गार्लिक सॉस है यू कैन ऐड इट। और साथ में कॉर्न फ्लावर जा रहा है इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। और आप पेपर फ्लावर जिसे मैदा कहते हैं 2 खाने के चम्मच वो डाल रही हूँ। सिरका जा रहा है 1 चाय का चम्मच। और पेपरिका पाउडर जा रहा है 1 चाय का चम्मच। और सारी चीज़ों को डालने के बाद बहुत अच्छे से हमने इसको हाथ की मदद से मिक्स कर देना है कि हर मसाला हर इन्ग्रीडियंट जो हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच फ्लेवर्ड के लिए डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आप ज़रूर डालिएगा इसमें। और लास्ट में इसके अंदर डाल रही हूँ सेसमी सीड्स तिल जिसे कहते हैं हम 1 चाय का चम्मच। मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ फ्राइंग के लिए, ऑलमोस्ट 1.5 कप मैंने डाल दिया है और उसको गर्म कर लिया और लो मीडियम फ्लेम पर इसको हमने फ्राई करना है। और आपने 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल ओवर टर्न नहीं करना, 2 से 3 मिनट के बाद आपने ओवन टर्न करना है। और ये देखिए हमारे कितने अच्छे से जो है वो क्रिस्पी से सेसमी फ्राइड विंग्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। और इसको हम अब जी निकाल रहे हैं अपनी प्लेट में। और साथ में मैंने ऊपर से भी जो है इसके ऊपर सेसमी सीड्स जो है वो स्प्रिंकल कर दिए थे और साथ में इसको मैंने सर्व किया है फ्राइज़ के साथ और चिली गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ, जो आपकी पसंद हो आप उसके साथ इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। तो कैसी लगी आज की मेरी सिंपल और इजी सी रेसिपी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई भी करेंगे। और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए हैं, मेरे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।